मैंने सभी मान्य सदस्यों को बोलने का अवसर दिया। कल देर रात को 11 बजे तक सदन चला और अंतिम मान्य सदस्यों को बोलने का मौका दिया और माननीय मंत्री जी भी पूरे समय सदन में उपस्थित रहे और एक एक मान्य सदस्यों की उन्होंने बात की। जब माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे थे तो अच्छा होता कि मान्य सदस्यों को, विशेष रूप से प्रतिपक्ष के मान्य सदस्यों को, माननीय मंत्री जी की सारी बातों को सुनते। अगर कोई उसमें विषय उठाना होता तो मैं उनके बाद में उनको सवाल का उठाने का प्रश्न उठाने जा लेता, लेकिन ये व्यवस्था है कि माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं तो किसी भी मान्य सदस्य को उसमें बीच में एंट्री करने का और प्रश्न पूछने की व्यवस्था कभी नहीं रही, न कभी परंपरा रही। और मैंने पूरे समय देर रात तक सभी मान्य सदस्यों को सुना। ये अच्छा परंपरा नहीं है और अच्छी परपाटी भी नहीं है। और माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि कभी भी कोई मान्य सदस्यों के बैठे बैठे कोई भी मान्य सदस्यों का रेस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। नो, अभी व्यवस्था दी और अभी आप बीच में उठ गए। और मैं कहूंगा कभी भी इधर के सदस्य बोल रहे हैं तो भी हमें एंट्री नहीं करना है। व्यवस्था सबके लिए व्यवस्था है, सदन के लिए सबके लिए एक जैसी व्यवस्था है। शिक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगे, अब सभा में शिक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग संख्या 25 और 26 को चर्चा के मतदान के लिए लाया जाएगा। सभा में उपस्थित जिन मान्य सदस्यों को शिक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रचलित किए गए हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर अपनी पर्चियां भेज दें जिसमें उन कटौती प्रस्तावों की संख्याएं लिखी हो और जिनको प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्ताव की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली सूची में कुछ समय पश्चात सूचना पट पर लगा दी जाएगी। यदि सदस्यों को उस सूची में कोई विसंगति मिले तो वह अपनी सूचना सभा पटल पर मौजूद अधिकारी को दे सकते हैं। आइटम नंबर 18, शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा। श्री तेजस्वी सूर्या। माननीय अध्यक्ष जी, देश के युवाओं से संबंधित और देश के भविष्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बोलने के लिए आपने मौका दिए हैं, मैं आपको हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष जी, इस बजट के जो सबसे इम्पॉर्टेंट फोकस है वो इस देश के युवाओं के ऊपर है और देश के युवाओं को सक्षम बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए और आने वाले 50 साल में उनको हर प्रकार से सक्षम बनाने के लिए इस बजट में कई सारे प्रावधान किया गया है। मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी को इस बजट में 4 करोड़ युवाओं को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग और उनको एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से सक्षम बनाने का योजना लागू करने के लिए और विजन और ब्लूप्रिंट लगाने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी को मैं देश की युवाओं की ओर से बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। मैडम स्पीकर, ओवर द लास्ट 10 ईयर्स देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्रीज एजुकेशन सिस्टम, इन द क्वालिटी ऑफ आर एजुकेशन सिस्टम, थैंक्स टू द मल्टी डायमेंशनल रिफॉर्म्स दैट द गवर्नमेंट अंडर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज मेड। इट वॉज ऑलवेज फेल्ट that governments after independence, with the exception of the Atal Bihari Vajpayee government,
विच इंट्रोड्यूस द सर्व शिक्षा अभियान विच गेव ग्रेट प्राइमेसी टू इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ आर इंफ्रास्ट्रक्चर इन पब्लिक स्कूल्स एस्पेशली प्राइवेट इन रूरल स्कूल्स विद एक्सेप्शन ऑफ दैट आर एजुकेशन सिस्टम वॉज लार्जली नेग्लेक्टेड इट डिड नॉट हैव एडिक्वेट फाइनेंस द सिलेबस द करिकुला वॉज वेरी रिजिड I would dare say it was out of date, it was not keeping up with the pace and need of times. It was not accessible, affordable to all sections of the people. As a result of that, the quality of human resource that the country produced over the last so many years is painfully low, is painfully inadequate for a country as large as ours. However, in the last 10 years, things have changed drastically, especially the kind of budgetary allocations the Ministry of Education has received, the importance Ministry of Education has received under the Narendra Modi government is something spectacular. Madam Speaker, I would want to draw your attention to the difference in the quantum of funding that our education department has received. In 2013-14, the budget of the higher education department was only 26,750 crores for a country as large as ours. Today, 10 years since, the education ministry's budget has increased by 78% under Narendra Modi government and it is 47,619 crores. India is the world's most populous young country. 650 million young people in India are in the age group of 18 to 35. What is the size of this 650 million? If you understand it in terms of the population of the United States, the population of young people in India in the age group of 18 to 35 is 2 times more than the total population of United States of America. That's the amount of young people that we have to empower, upskill, educate, and provide employment opportunities with. And especially at a time when the world is facing the challenge of emerging technologies like artificial intelligence, Internet of Things, automation, finding gainful employment to such a large number of young people in a democratic country. No country in the world has faced a challenge of this kind. In that sense, it's an unprecedented challenge. Keeping this global context and domestic context in mind, the Honorable Finance Minister has presented the 5 Prime Minister's Employment and Skilling Yojana, which is going to touch the lives and transform the lives of more than 4 crore young people in the next 5 years. This is historic in every sense of the word. Madam, in the last 10 years, thanks to the renewed support, infrastructure, and the political capital that was expended on the education department, the country has seen massive growth in the education infrastructure. I would want to highlight your attention and the August House attention just to a few data points on the quantum leap the country has made in the educational infrastructure that we have made available to our young people. Pre-2014, India had 723 universities. Today, India has 1,113 universities, 390 new universities was built in the last 10 years. In the last 10 years, 7,262 new colleges were built. Pre-2014, we had 36,000 colleges in the country. We today have 43,000 colleges in the country. Higher education institutions, we had 49,000 in the country before 2014. Today we have 56,000 higher education institutions in the country, a 14% increase. The density of colleges, number of colleges to a lakh population has increased 20% in the last 10 years. In other words, education and the creation of education infrastructure has made education more affordable, more accessible to young people in this country. Madam, aap jante hain,
इस देश में एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कम होने के वजह से मध्यम वर्ग की जनता, जिनको एक उनके जीवन स्तर से ऊपर उठकर जीवन में एक अच्छे लेवल पे आने के लिए एजुकेशन ही उनके पास एक मौका होता है, ऐसे मिडिल क्लास के लोग सांसद के पास एडमिशन के लिए जाते थे, एमएलए के पास जाते थे, उनका सिफारिश के लिए जाते थे। इसका मूलभूत कारण ये डिमांड एंड सप्लाई के बीच में जो फर्क था, ये सबसे बड़ा था। और इसके वजह से, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा था, सप्लाई कम थे, इसके वजह से कैपिटेशन फीस, इसके वजह से मैनेजमेंट फीस, मैनेजमेंट कोटा, ये सब कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन भी पूरे देश में था। पर आज एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ोतरी करने के वजह से ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो हम कहते हैं, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से जितने युवा कॉलेज में एडमिशन्स पाते हैं, उसमें बहुत फर्क हो चुका है। मैं आपके संज्ञान में ये लेकर आना चाहता हूं, इन द लास्ट 10 इयर्स इन हायर एजुकेशन देर हैज बीन अ 26% इंक्रीज इन द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फ्रॉम 3.42 करोड़ टू 4.33 करोर्स। और इसमें मैडम आप ये जानकर खुशी लगे, बहुत अच्छे लगेगा हम सबको, फीमेल एनरोलमेंट जो है हायर एजुकेशन में, क्योंकि अपने महिला, अपने युवतियां जो कॉलेजेस में जा रहे हैं, उसमें 32% इंक्रीज पिछले 10 साल में हुआ है। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नरेंद्र मोदी जी के जो संकल्प था, इस संकल्प के सबसे बड़ा एक इम्पैक्ट हम इसमें देख रहे हैं। और हम जानते हैं आज के ज़माने में साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, ये सबसे महत्वपूर्ण फील्ड्स होते हैं, बिकॉज द वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स अ टेक लेट, टेक डिपेंडेंट वर्ल्ड। और स्टेम एजुकेशन पिछले 10 साल में महिला और युवतियों का एनरोलमेंट 43% ज्यादा हुआ है पिछले 7 साल में। ये नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े विमेन एम्पावरमेंट के एक अचीवमेंट है। यूनिवर्सिटीज में 51% एनरोलमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है। पीएचडीज में 81% इंक्रीज इन एनरोलमेंट ऑफ पीएचडीज, विच शोज द क्वालिटेटिव इंक्रीज, क्वालिटेटिव थ्रूपुट ऑफ आर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। नॉर्थ ईस्ट में भी यही हालत है। एंड आई मस्ट ब्रिंग द अटेंशन ऑफ दिस हाउस टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ये जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो देश में बढ़ता जा रहा है, इसका सबसे बड़ा लाभार्थी इस देश के पिछड़े हैं, इस देश के एससी हैं, इस देश के एसटी हैं और इस देश के महिला हैं। और माननीय अध्यक्ष जी, कल परसों से चर्चा बहुत सारे रिजर्वेशन के ऊपर हो रहा था और प्रतिपक्ष नेता ने भारतीय जनता पार्टी को और अपने सरकार को ओबीसी विरोधी, एससी विरोधी, एसटी विरोधी के रूप में एक पेंट करने के लिए, एक चित्रण करने का प्रयास वहां से हो रहा था। पर आज मैं आपके सामने फैक्ट्स के आधार पर और हिस्टोरिकल कुछ एक दो इंसिडेंट्स के आधार पर बताना चाहता हूं कि इस देश में अगर मंडल रिजर्वेशन का, मंडल रिकमेंडेशन का इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ होता और पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में एससी, एसटी, ओबीसी युवाओं को विशेष रूप में एनकरेज करने के लिए प्रयास नहीं हुआ होता, आज के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में क्या फर्क होता था? अध्यक्ष जी, पिछले 10 साल में देश के युवा जो एससी समाज से आते हैं, उनका हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट 44% इंक्रीज हुआ है पिछले 10 साल। और एससी समाज से जो महिला आते हैं, युवती आते हैं, उनका एनरोलमेंट 51% इंक्रीज हुआ है पिछले 10 साल। जनजाति समुदाय से जो आते हैं, ऐसे एसटी स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट 65% इंक्रीज हुआ है 10 साल। जनजाति महिला युवतियों का एनरोलमेंट 82% हुआ है पिछले 10 साल। ओबीसी युवाओं का एनरोलमेंट 45% ज्यादा हुआ है पिछले 10 साल। ओबीसी महिला युवतियों का, महिलाओं का, स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट 49% हो चुका है।
ये नरेंद्र मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है। ऑन द अदर हैंड मैडम, व्हेन द मंडल कमीशन रिकमेंडेशंस वर टेबल्ड फॉर मोर देन 10 years, नीदर इंदिरा गांधी जी नॉर राहुल गांधी जी मूव्ड अ इंच ऑन इंप्लीमेंटिंग द मंडल कमीशन रिफॉर्म्स। If there is any government and if there is any party that has been the most anti-OBC, most anti-SC-ST party, it is the Congress party and the Congress party's government. Madam, OBC ke khilaf, SC-ST ke khilaf, inka nafrat itna tha, ye ek interview mein bahar aata hai. 3/3/1985 ko, maniye Rajiv Gandhi ji ne, नव भारत टाइम्स के एडिटर आलोक मेहता को एक इंटरव्यू देते हैं और इस इंटरव्यू में माननीय राजीव गांधी तत्कालीन लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो एक बयान देते हैं और ये बयान मैं पढ़ना चाहता हूं और इस अगस्त हाउस के रिकॉर्ड में मैं ले आना चाहता हूं। राजीव गांधी जी कहते हैं, आरक्षण के नाम पर बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। जो आरक्षण के अधिकार वर्ग है उनको राजीव गांधी जी ने, दिस इज द क्वालिटी, दिस इज द इंटेंशन, दिस इज द थिंकिंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी टॉप लीडरशिप। और आज आप देखिए कर्मा कैसे वापस आता है। जिन वर्ग को बुद्धू कहा गए थे उस पार्टी का नेता को जनता क्या कह रहे हैं, आप सोचिए कर्मा कैसे वापस आता है। माननीय अध्यक्ष जी, वी हैव ऑल्सो मेड ट्रेमेंडस प्रोग्रेस इन द क्वालिटी ऑफ आर एजुकेशन सिस्टम थैंक्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। देश की एजुकेशन पॉलिसी लगभग 30 दशक से रिव्यू नहीं हुआ था और एजुकेशन ऐसा फील्ड है मैडम, हर 3 साल हर 5 साल में अपडेशन की जरूरत होते रहते हैं। इफ़ यू डू नॉट अपडेट आर करिकुला, इफ़ यू डू नॉट अपडेट आर सिलेबस, इफ़ यू डू नॉट अपडेट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट वी आर प्रोवाइडिंग टू आर चिल्ड्रन, देर इज अ वेरी हाई चांस ऑफ देम लर्निंग थिंग्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड। और इस देश के एजुकेशन सिस्टम का हालत ऐसे हो गया था, ये एजुकेशन सिस्टम को, एजुकेशन पॉलिसी को नहीं रिव्यू करने के वजह से आप में जो भी क्वालिटी है, टैलेंट है, आप या इंजीनियरिंग नहीं पढ़ेंगे या आप मेडिकल नहीं पढ़ेंगे या आप एक दो प्रोफेशनल कोर्सेस नहीं पढ़ेंगे तो आपको वैल्यू ही नहीं था। और इसलिए पूरे देश में एक प्रकार से रैट रेस शुरू हुआ, सब आईआईटी में जाना है, सबको इंजीनियरिंग ही करना है। और मैं तो बैंगलोर में आता हूँ, बैंगलोर से आता हूँ, और बैंगलोर में ऐसा है कि आप पहले लाइफ में इंजीनियरिंग करो, उसके बाद आप जो करना चाहते हो वो करो। दिस वॉज द क्वालिटी ऑफ आर एजुकेशन सिस्टम बिकॉज वी डिड नॉट रिव्यू आर एजुकेशन सिस्टम, आर क्वालिटी ऑफ आर एजुकेशन प्रोविजन टू मेक इट फ्लेक्सिबल, टू मेक इट अप टू डेट। एंड आई वुड फ्लैटली ब्लेम ऑल द प्रीवियस गवर्नमेंट्स 70 years विच डिड नॉट रिव्यू द एजुकेशन प्रॉपरली, एजुकेशन सिस्टम प्रॉपरली, एंड मेक इट मोर क्रिएटिव, इनोवेटिव, मेकिंग इट मोर प्रॉब्लम सेंट्रिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेंट्रिक। And this was changed by the introduction of the National Education Policy 2020. Madam, 34 years ke baad, lagbhag 30 dashak ke baad, desh ke education system ka ek amulagra parivartan desh mein laane ke liye maniya Pradhan Mantri ji, ek National Education System ka, National Education Policy ka, ek naya policy ka introduction 2020 mein hua. इसमें 3-4 बड़े बड़े चेंजेस हैं। मैं आपके माध्यम से देश के युवाओं का ध्यान इस विषय पर आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे बड़ा जो चेंज हो चुका है वो अपने एजुकेशन चॉइस के फ्लेक्सिबिलिटी पे है। इससे पहले क्या होता था, इफ आई वॉज इंटरेस्टेड टू स्टडी से हिस्ट्री एंड ऑल्सो स्टडी अलॉन्ग विथ इट से फिजिक्स, I did not have the opportunity of choosing both a science subject and a subject with social sciences. If I wanted to study economics and at the same time if I also wanted to study say art or if I wanted to say mathematics, I would not get the opportunity because there was an inherent
rigidity that did not allow for these multidisciplinary courses to be taken. For the first time, the national education policy has now introduced a flexibility in our higher education where the student is now free to choose the subject that he wants to study. I think this was a long pending reform that crippled the creativity and the talent of our young people by crippling this choice, by not giving them this choice. I think this availability, making availability of the flexibility of choice for a student to choose the option that he wants, the subject that he wants, is a very, very welcome reform that the NEP has brought. Madam, the second big reform that NEP has brought is with respect to changing the focus of our education system from what was essentially a Eurocentric, Euro-created, colonized education system to an India-centric education model. And two big aspects demonstrate the change that has taken place in this sector. One, the focus on mother tongue-based education system. All over the world, Maniya Adhyakshji, it has been proven through various education systems, education surveys, that the most effective medium of teaching, especially in the formative years of 2 to 8 years old for children, is in the mother tongue. And those children who learn non-trivial educational concepts in the mother tongue, their retention capacity, their understanding capacity, their comprehensive capacity is far higher than compared to students who would have learned a particular concept in a non-mother tongue language. But for a long time, this colonized obsession of English medium education, I am not taking away the importance of learning the English language, but the obsession of English medium education, even at the primary stage, was a very big challenge for our young people, especially the children from rural areas, to understand the fundamentals of any subject. For the first time, the education policy has made it mandatory for primary education to be in the mother tongue in the country, thereby strengthening the regional languages of this country and also the mother tongue languages of this country. It is also, I'm coming to Hindi imposition, sir. I'm coming to Hindi imposition. I also come from Karnataka, which is a non-Hindi speaking state. Please give me 2 minutes. I'll come there. Maniya Adhyakshji, ye education policy ke NEP ke jo vision statement hai, is vision statement ke beginning mein, ek bahut interesting line likhaya jata hai, that we are moving towards an India-centric education system. Main kai baar socha कि ये इंडिया सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम के क्या होता है, ये क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंडिया सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम. और मुझे पता चला, मैं जब सोच रहा था और एक अनुभव के आधार पर, दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम आर एजुकेशन सिस्टम, वो ब्रिटिश जो एजुकेशन सिस्टम रचा के गए थे, कॉलोनाइज एजुकेशन सिस्टम थे, उसके हिसाब से उसके रास्ते पर हम चल रहे थे. मैं 8 साल 10 साल पहले कर्नाटका के एक गांव में एक कार्यक्रम के लिए गया था और एक सामान्य किसान के घर पे मैं गया. फॉर द बेनिफिट ऑफ आर फ्रेंड्स फ्रॉम तमिलनाडु, आई वुड वांट टू स्टेट दिस इन इंग्लिश. आई हैड विजिटेड द हाउस ऑफ अ फार्मर इन वन रिमोट पार्ट ऑफ कर्नाटका अबाउट 8-10 years अगो. इन द इवनिंग वी वर सिटिंग एंड चैटिंग विद द फार्मर. The young child from school, he's the farmer's kid, comes back from school with the uniform, a convent school, removes his bag and everything, changes into home clothes, comes and immediately starts studying and making his homework. It was like a very good boy who goes to school, comes back and immediately starts working on the homework. But the farmer father seemed very agitated. He said, "Aap andar jao, get inside, don't sit in front of me." I asked the farmer, "Your son seems to be a very adarsh balak. He goes to school, came back, immediately started doing homework. But why are you so angry? Why are you shooing him away?" The farmer father said, "From the last 4 years, we have not had rainfalls in our state, in our village. But every evening,
my kid who goes to this English medium school comes home and starts saying, Johnny, Johnny, rain, rain, go away, little Johnny wants to play. Rain, rain, go away, little Johnny wants to play. What he meant to say was, the rhymes that were taught in our schools, in the English medium schools, neither had any context or relevance to the immediate local culture and our understanding. This is not to say that we must not learn the English language. We must learn every language in the highest quality possible. But unless education is made available in the primary standard in our mother tongue, we will not be able to communicate and transmit the culture of this soil. So if there is one government in the last 70 years that has given importance to mother tongue education and made available through the national education policy provision for medium of instruction to be in the mother tongue, it is the Narendra Modi government, and no government before has done this. Madam, on the point of Hindi imposition, my friends from the DMK have been asking pointed questions. I would want to take a minute. I am a member of the Bharatiya Janata Party, and most importantly, Kanimoyiji, I come from Karnataka, which, like you, is a non-Hindi speaking state, and I am as opposed to imposition of Hindi as possibly you are. And rather more sincerely, because I have seen the DMK being hypocritical about their opposition to Hindi imposition. While be that as it may, let me take a minute. Let me take a minute to explain. Madam. Please complete. In 1968, the first national education policy was introduced. The first national education policy mandated a three language policy. And this three language policy from 1968, from the first national education policy. Please, Maniya sir, this complete kariye. Madam, aap main 2-3 minute mein complete kar raha hu. Ye bahut important vishay hai. Ek minute mein apni baat complete. Please. Madam, 1968 mein first national education policy was introduced. From the first national policy, education policy, to the 2020 education policy, other than the Narendra Modi government's education policy, every education policy that introduced the three language formula said you must compulsorily learn Hindi and another Indian language. Sir, please listen to what I am saying. Other than our national, you should have asked this question to your Congress people. Why did they impose Hindi? We have introduced an education policy. One second, sir. Maniya Mohammad Javed ji. Speaker, madam, our learned member from the DMK seems to have inadequate data and understanding of NEP. I don't have the national mind. Education policy, man, 2020 for man, the first I'm time here. Has introduced an education policy that provides the choice for a student to learn any two Indian languages, and not necessarily just Hindi. So what happened the last 65 years was imposition of Hindi on the southern states and non-Hindi speaking states by the Congress party and the parties that you... आपने मुझे बोलने का मौका दिया. मैं इस मौके पे अपने पार्टी लीडरशिप को और किशनगंज